हेलो भैया, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट का थर्ड ईयर का स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, तो कैसे आपसे संपर्क किया गया वहाँ? हम में से एक जो मास्टर्स वाले भैया हैं वो अच्छा, अच्छा। उनको कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्टैक्ट किया था। अच्छा। कि यहाँ पर कुंभ मेला है तो उसके लिए फाइन वॉल पेंटिंग का काम है, तो फिर हम लोग इनके फ्रेंड्स थे तो ऐसे कॉन्टैक्ट हो गए, फिर हम सब आ गए यहाँ। और भैया, आपको इसके लिए क्या पे किया जाता है रोजाना के दर पे ऐसा कुछ? यार, पे करने का ना रेट बहुत गिरा दिए इन लोगों ने ना, जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उन्होंने बहुत रेट गिरा दिया। और स्टूडेंट्स को काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है। जैसे हम लोग हैं, अब हम स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज की फ़ीस ये सब तो हमको करना पड़ता है क्योंकि अब एज भी काफ़ी हो गई है। वैसे तो अब ज़्यादा स्पेसिफिक अगर मैं हूँ तो दिल्ली में 250 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। अच्छा, और यहाँ पे ये लोग हमको 20 रुपये स्क्वायर फीट का रेट के अप्रॉक्स दे रहे हैं, जबकि बजट में मतलब लाखों करोड़ों पेंटिंग के लिए निर्धारित किया गया। फिर भी हाँ, वो तो हमको पता नहीं, वो ऊपर से कितना आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कितना बचा रहा है, हमको तो कुछ नहीं पता। अच्छा अच्छा, पर हमको मजबूरी में काम करना पड़ता है। बात ये है, रेट बहुत गिर चुके हैं इस चक्कर में ना, वही कला की कदर, कला की कदर कम होती जा रही है, कलाकारों की कदर कम होती जा रही है। अच्छा अच्छा, तो आप अपने टीम के बारे में कुछ बताओ, कितने टीम गठित किए गए, मतलब आप कैसे? हमारी 9 लोगों की टीम है। अच्छा अच्छा, जिनमें से मोस्टली बंदे कुरुक्षेत्र से हैं। अच्छा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ और एक हमारा फ्रेंड है, वो हॉबी के लिए करता है वॉल पेंटिंग। तो यहाँ से जो नगर निगम वालों ने आपके कॉलेज में संपर्क किया था आपको यहाँ लाने के लिए? हाँ, जो नहीं, कॉलेज में नहीं, हमको पर्सनली संपर्क किया था उन्होंने। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ रहने के लिए क्या दिया जाता है, कुछ रहने के लिए क्या जाता होगा? रहने के लिए हमको जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमको फ्लैट ऑफर किया था रहने के लिए। अच्छा अच्छा, पर फिर वो उसके चार्जेस भी लेते, तो हमको ऐसे ही आश्रम में बात करनी पड़ी रहने के लिए। अच्छा, तो हम वहीं तो पे रहे। आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम शांति मुझ आश्रम में रह रहे हैं। अरे अरे, अच्छा, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, मतलब आपकी टीम के अलावा बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी? कुंभ में तो लगभग पूरा हरिद्वार ही सजता है। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी जगह हो रही है वॉल पेंटिंग। अच्छा अच्छा, उनमें से एक ये साइट हमारी है, एक वो साइट हमारी है, और ये कंप्लीट होने के बाद और साइट्स भी हमको। अच्छा अच्छा, तो कब तक ये काम चलने वाला है? कुंभ के दौरान भी ये काम चलेगा। अच्छा, तो क्योंकि कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी से ही वो शुरू हो गया था, मकर संक्रांति के दिन से, और ये अप्रैल तक चलने वाला। हाँ, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा अभी तो, बहुत काम है। अच्छा अच्छा, वॉल पेंटिंग का भी बहुत काम है। तो किस अभियान के अंतर्गत, जैसे कि एक अभियान के बारे में हमें पता लगा है हरिद्वार रुड़की प्राधिकरण की ओर से, ये है पेंट माई सिटी, तो ऐसा कुछ आपको बताया गया है क्या पेंट माई सिटी के बारे में? हाँ, हम भी सिटी ही पेंट कर रहे हैं। हाँ, सही बात। और हरिद्वार तो भगवान का शहर है। हाँ, सही बात। सबकी सिटी हो गई, हमारी भी यही सिटी है। हाँ, हम भी इसी को पेंट कर रहे हैं, तो पेंट माई सिटी हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब आपकी पेंटिंग को लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो आएंगे यहाँ देखने वाले हैं, तो कुछ तो मतलब ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है हमको? तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी हमारी चित्रकला कोई देखे, उसकी तारीफ करे, हमारी मेहनत की कोई कदर करे। पर वही है, अगर कलाकारों को थोड़ा, जो कलाकारों को ना बस वही कमी रह जाती है। हाँ, सही बोले। बस वही हमारी कमी अगर पूरी कर दी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस। आप जैसे भैया इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो आप अपनी कला को किस तरह से आगे ले जाओगे, या फिर इसके बाद जो आप कॉलेज लौटने वाले हो थर्ड ईयर के, जैसे बोले आप छात्र हो, तो आप अपने रिज्यूम में भी ये मेंशन करोगे, तो इससे आपको क्या अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी? अब इतनी बड़ी वॉल्स हैं तो हम अगर उन पे काम करते हैं तो हमको बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि कैसे पेडल पे चढ़ के काम कैसे किया जाता है, हाइट पे काम कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह, इधर ये राउंड वॉल है इस पे कैसे काम किया जाता है, तो ये सब हमको एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है। और कला जो है उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप भी थोड़े टाइम वॉल पेंटिंग कर लोगे तो आपको भी आ जाएगा। एक्सपीरियंस का ज़्यादा काम है, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छा एक कलाकार हो सकता है। तो जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हम ये सब, हमारा पोर्टफोलियो बनेगा, इनकी फ़ोटो वोटो हम सब अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे, और जहाँ भी फिर इसके बाद, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर हमको आया, इसके बाद अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो हम उसको ये दिखाएंगे कि देखो हमने ये सब काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमको आगे के लिए अपॉर्चुनिटी काम देगा या नहीं देगा, वो उसके ऊपर। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, थैंक यू भाई। इसको दिखाते हैं, आपको सच में अच्छी नौकरी मिलेगी या फिर अच्छे से पे किया जाएगा आगे। शुक्रिया भाई। तो ऐसे शुभकामनाओं के साथ, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर, मतलब आपस में बात करने के लिए।